Welcome to the Sri Shyam Group of Education. Today we will talk about chirality and chiral molecule. What is the chirality and chiral molecules? First of all, अपनों ने कल पढ़ा था लास्ट मतलब लास्ट पार्ट में सिमेट्री एलिमेंट. द सिमेट्री एलिमेंट जो शो करते हैं वो क्या होते हैं, जो शो करते हैं उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल. और जो सिमेट्रिकल एलिमेंट जिसके पास नहीं होते उसको अपने क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. तो कहने का मतलब ये है the compound and molecule does not have element of symmetry. The molecule is called asymmetrical molecule. कहने का मतलब साफ साफ है जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं वो सिमेट्रिकल एलिमेंट या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट नहीं करते, या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट नहीं होता वो सारे मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं. और जितने भी एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है वो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं. तो कहने का मतलब है एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल शोस ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है. एंड एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड काइरल मॉलिक्यूल. एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल सेड टू ए काइरल मॉलिक्यूल. तो यहां से अपनों ने डिफाइन किया, देखो जितने भी सिमेट्रिकल है डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, वी कैन से दीज आर ऑप्टिकल इनएक्टिव अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री. ऐसे ही अपने क्या है, अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ डज नॉट प्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है वो सारे क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं. और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ही अपने क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं. और सो वी कैन से द एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल सेट टू ए काइरल मॉलिक्यूल. यहां से अपने को एक बात समझ में आते हैं, जो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं काइरल मॉलिक्यूल, और जो यहाँ पे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, एकाइरल मॉलिक्यूल. आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम? तो यहां से अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया, काइरल मॉलिक्यूल. समझ में आ गया, काइरल मॉलिक्यूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी. और कहने का मतलब है इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता, डू नॉट हैव प्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, सो वी कैन से द काइरल मॉलिक्यूल इट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. और इसलिए अपने इसको कहां पे डिफाइन कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में. तो अपने यहां से एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक काइरल मॉलिक्यूल. देखो व्हाट इज द काइरल मॉलिक्यूल, काइरल मॉलिक्यूल समझने के लिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखो.
काइरल मॉलिक्यूल में ये हैंड है दो, लेफ्ट और राइट साइड वाले दोनों, दोनों एक दूसरे के क्या है, मान लो इन दोनों के बीच में यहां पे मेरियर इमेज है, दोनों एक दूसरे के क्या है बताओ, दोनों एक दूसरे के मेरियर इमेज है, आगे मेरियर इमेज ऑफ ईच अदर। और ये जो दोनों मेरियर इमेज है ये क्या हो रहे हैं, सुपर डू नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर। आगे क्या बात समझ में, द मेरियर इमेज डू नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर, द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड काइरल मॉलिक्यूल। आगे क्या बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल हैंड, लेफ्ट एंड राइट हैंड देखो एक दूसरे की क्या है, मेरियर इमेज, और ये क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे यहाँ पे। आगे क्या बात समझ में, इसको बोलते हैं डू नॉट सुपर इम्पोज। अब कई कह देते हैं सर ये देखो कर दिया इम्पोज, मैं कह रहा हूँ ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। कई कह देते हैं सर ये हो गया यहाँ पे देखो सुपर इम्पोज, नहीं ये सुपर इम्पोज नहीं है, मैं इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ दोनों का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, ओरिएंटेशन सेम, समझ में आ गई आपको बात, to mirror image of each other, do not superimpose to each other। आगे बात समझ में, the molecule is also called chiral molecule। Any problems? So we can define that molecule mirror image, that molecule mirror image to each other, that molecule mirror image to each other, and both mirror image not superimpose to each other, the molecule is called to chiral molecule। And the property is called chirality। Anyone problem? The properties, the property is called chirality। Anyone problems? मैं फिर से कहता हूं द मॉलिक्यूल, वैसे हैंड का एग्जाम्पल लेते हैं द मॉलिक्यूल, आगे द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, डू नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर, इज कॉल्ड काइरल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अपने मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड शोस ऑप्टिकल एक्टिविटी, सो वी कैन से द फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लैक्टिक एसिड सी एक तरफ कार्बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरी तरफ होता है मैथिल ग्रुप। आगे बात समझ में, एक साइड में होता है OH ग्रुप और दूसरी साइड में होता है H ग्रुप। आगे बात समझ में, ये किसका एग्जांपल है, लैक्टिक एसिड। सबसे पहले इसका मिरर इमेज बनाएंगे, मतलब जो सेकंड एग्जांपल होगा वो इसका क्या होगा, मिरर इमेज, जो आइसोमर होगा नेक्स्ट। अब इसका मिरर इमेज डिफाइन करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये वाला OH है, ये बुक आप आ जाएगा इधर की तरफ, मिरर इमेज मिरर हो मान लो दोनों के बीच में, तो क्या आ जाएगा C, इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH, इधर की तरफ अपने पास क्या था H,
ऊपर की तरफ अपनों ने क्या लिया था बताओ, ऊपर की तरफ लिया था सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नीचे की तरफ कौन आ जाएगा सी एच थ्री। एनी वन प्रॉब्लम्स? आगे बात समझ में? देखो अगर अपने इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो नहीं होगा सुपर इम्पोज, डू नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर। आगे बात समझ में? ये एग्जाम्पल किसका आ गया, काइरल मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो ध्यान से सुनते हैं, देखो भी यहाँ पे ये जो काइरल मॉलिक्यूल है इसको अपनों ने थोड़ा और डिफाइन किया। यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट होता है काइरल मॉलिक्यूल्स में, उस कार्बन को अपने बोलते हैं काइरल कार्बन। द काइरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत सारे नाम है इस काइरल कार्बन के, काइरल कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एसमेट्रिकल एसमेट्रिकल कार्बन। एक नाम और बहुत है बुक्स में, बहुत बार मिलेगा तुम्हें बार बार, वो नाम है स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसका एक नाम और है काइरल कार्बन का, एक नाम और है इसको बोलते हैं काइरल सेंटर। यहां पे काइरल कार्बन का एक नाम और है काइरल सेंटर। तो काइरल कार्बन को डिफाइंड कैसे करेंगे? एक तो क्या है इस कार्बन की खास बात, देखो दो प्रॉपर्टीज अपने को सीधे दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल कार्बन है। दूसरी बात ये है जिसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आगे बात समझ में? अगर अपने काइरल सेंटर या काइरल कार्बन या अपने इसको क्या बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे अपने, द कार्बन विच आर कनेक्ट बाई फोर डिफरेंट ग्रुप, द कार्बन कनेक्ट बाई या अटैच्ड बाई फोर डिफरेंट ग्रुप, द कार्बन इज कॉल्ड काइरल कार्बन एंड काइरल सेंटर। और क्या बोलते हैं इसको, स्टीरियोजेनिक सेंटर। और क्या बोलते हैं, एसमेट्रिकल सेंटर। एनी प्रॉब्लम्स? बात समझ में आ गई? ध्यान से देखिए इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन में देखो एक वैलेंसी में कौन सा है, एक OH ग्रुप, इधर की तरफ क्या है H ग्रुप, इधर की तरफ क्या है COH ग्रुप, और इधर की तरफ क्या है CH3 ग्रुप। इस कार्बन से अटैच क्या है, ध्यान से देखो, अटैच इससे है फोर डिफरेंट ग्रुप्स। सो वी कैन से दिस कार्बन इज कॉल्ड काइरल सेंटर एंड काइरल कार्बन। आगे क्या बात समझ में? इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, इसको अपने रिप्रेजेंटेड किससे करते हैं, इट इज द रिप्रेजेंटेड बाई स्टार्स, ऐसे लगा देंगे कार्बन ऊपर आ जाएगा स्टार ऐसे। आगे बात समझ में? ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, अब अपने लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एनी वन प्रॉब्लम्स? एक तो क्वालिटीज क्या होती है, सुपर इम्पॉसिबल ईच अदर। फिर इसके स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखा गया, बहुत स्टडी की गई, यहाँ से पता लगा इसमें कार्बन होता है, उस कार्बन के चारों तरफ क्या होता है, उस कार्बन के चारों सराउंडेड बाई फोर डिफरेंट ग्रुप। आगे उस कार्बन को क्या बोलते हैं, काइरल सेंटर, एसमेट्रिकल सेंटर या एसमेट्रिकल कार्बन, और नेक्स्ट नाम क्या जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब अपने लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो भी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये है। आगे बात समझ में? कौन सा एग्जाम्पल, ये ब्यूटेन टू ऑल, ये इसको ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं। देखो भी इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इधर की तरफ सी, ऊपर की तरफ आएगा फर्स्ट कार्बन। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तब डिटेल से समझ में आएगा स्ट्रक्चर बनाते कैसे है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट अपने ये देखो, यहाँ पे एक OH ग्रुप है इधर की तरफ और इस कार्बन पे H ग्रुप है इधर की तरफ। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, इधर वाला कार्बन देखो, इस पे क्या आ जाएगा CH2 CH3, इसको मैं इकट्ठे में क्या लिख सकता हूँ C2H5,
या तक बोला समझ में आगे क्या बात। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इसमें जो फोर ग्रुप प्रेजेंट है, फोर ग्रुप में देखो कौन से हैं, डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, काइरल सेंटर या काइरल कार्बन। दूसरी खास बात क्या है, इसका जो मिरर इमेज है, इसका जो आइसोमर्स है, मिरर इमेज बना लेंगे, क्या आ जाएगा सी, इधर की तरफ क्या आ जाएगा बताओ OH, इधर की तरफ क्या आ जाएगा H, ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, ऊपर वो का वो ही रहेगा, मिरर इमेज में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट नीचे की तरफ क्या आ जाएगा C2H5। आगे बात समझ में, तो क्या हो गया, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट डू नॉट सुपर इम्पोज ईच अदर, ये बात अपनों ने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। आगे बात समझ में, दूसरा अपने काइरल सेंटर की ध्यान से देखिए, इस कार्बन की तरफ फोर ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट। सो वी कैन सी दीज आर शोस ऑप्टिकल एक्टिविटी, सो वी कैन सी दीज आर शोस ऑप्टिकल आइसोमेरिजम्स, एनी वन प्रॉब्लम्स। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट लेते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड क्या आ जाएगा, देखो इसमें क्या होता है, ग्लिसरेल्डिहाइड में कार्बन ऊपर की तरफ आ जाएगा CHO, नीचे की तरफ क्या होता है CH2OH, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, नहीं दिखेगा आपको, C इधर की तरफ आ जाएगा CHO, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा CH2, इधर की तरफ क्या आ जाएगा OH, इधर क्या प्रेजेंट होता है इसमें OH, और इधर की तरफ क्या होता है H। आगे बात इसमें, सबसे पहले ये कार्बन देखो काइरल सेंटर है क्या प्रेजेंट, है भी, ध्यान से देखिए इस कार्बन की तरफ चारों जो फोर ग्रुप है, फोर ग्रुप क्या है डिफरेंट, इसलिए अपनी वी कैन से दीज आर काइरल सेंटर, काइरल कार्बन्स। आगे बात समझ में, वी कैन से एसिमेट्रिकल कार्बन्स। आगे बात समझ में, इस कार्बन में देखो इधर की तरफ OH ग्रुप, इधर की तरफ LDI ग्रुप, इधर की तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर की तरफ कौन सा आ जाएगा एल्कोहलिक CH2OH ग्रुप, यहाँ पे क्या है फोर ग्रुप क्या है डिफरेंट। अब अपने देखो इसमें इसका मिरर इमेज देखो, इधर की तरफ आ जाएगा C, इधर की तरफ आ जाएगा OH, ऊपर क्या लिख देंगे इधर की तरफ आ जाएगा CHO, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा CH2OH। आगे इधर की तरफ क्या आ जाएगा बताओ, इधर की तरफ आ जाएगा H। आगे मिरर इमेज ऑफ ईच अदर डू नॉट सुपर इम्पोज टू ईच अदर, हालांकि ये देखा जाए अपने फॉर्मूले में एक ही कंपाउंड लग रहा है, ये कंपाउंड एक ही है, मगर इसी एक कंपाउंड में दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, मॉलिक्यूल है। आगे क्या बात समझ में, एक ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर रहा है, अपने ने पढ़ा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और दूसरा क्या होता है लिवो रोटेटरी। आगे क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी, कहने का मतलब इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। अब अपने बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, जो अपने काइरल मॉलिक्यूल है और इसमें क्या होता है काइरल कार्बन। एनी प्रॉब्लम्स, अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखो भी अब क्या होता है, कई बार अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, नीट में ये पार्ट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखने में ये बहुत सिंपल लग रहा है टॉपिक, मगर नीट में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आता है, कई बार बोर्ड में भी आ सकता है ऐसी क्वेश्चन। आपको एक एग्जांपल दे देंगे और आपको बोलेंगे इसमें काइरल सेंटर कितने प्रेजेंट है या कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर डिफरेंस है प्रेजेंट है। आगे क्या बात समझ में, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप थोड़ा आइडेंटिफाई करना, मुझे बताना कितने काइरल सेंटर है। देखो CH3 इधर की तरफ मैंने लिख दिया C, इधर की तरफ आ जाएगा H, इधर की तरफ लिख दिया Cl, इधर की तरफ CH, इधर की तरफ आ जाएगा Cl, और इधर की तरफ लिख दिया COH ग्रुप। मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अपने को पूछ लिया इसमें काइरल सेंटर कितने परसेंट है। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काइरल सेंटर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है किसी कार्बन में एक काइरल सेंटर प्रेजेंट हो, आगे किसी में दो भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे मुझे ये बताओ, अपने को वो कार्बन आइडेंटिफाई करना है, सीधा सा तरीका है, जिसके चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट है। सबसे पहले इस कार्बन की तरफ आओ, अपने इस कार्बन में देखो एक ग्रुप तो ये अटैच है, दूसरा क्या अटैच है तीन हाइड्रोजन, तो तीन सेम हो गए इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इसका मतलब ये काइरल कार्बन नहीं है। अब अपने सेकंड वाले इस वाले कार्बन पे आते हैं, वैसे तो सेकंड वाला ये है यूपीएससी के अकॉर्डिंग,
अब इस कार्बन भी देखो, इधर की तरफ देखो कितने ग्रुप है। एक तो हाइड्रोजन में ऊपर लिख देता हूँ, आपको थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। ये हाइड्रोजन मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, थोड़ा सा और डिटेल से समझने के लिए इस हाइड्रोजन को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। अब आपको ये स्ट्रक्चर्स क्लियर दिखाई दे रही है। अब बताओ मुझे यहाँ पे ये कार्बन है, इसमें एक ग्रुप तो क्या हो गया है, CH3। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। दूसरा सेकेंड कार्बन है यहाँ पे, ये क्लोरीन। यहाँ पे तीसरा कौन सा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। चौथा ये एल्किल ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बन क्या काइरल कार्बन होगा। ध्यान से देखिए इस कार्बन की तरफ, इसके फोर ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स आर काइरल कार्बन्स। अब अपने नेक्स्ट कार्बन की तरफ जाते हैं, इस कार्बन की ओर देखो। यहाँ पे इस कार्बन में एक ग्रुप कौन सा अटैच है, ये वाला। इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इधर से देखो एक हाइड्रोजन अटैच है, इधर की तरफ क्लोरीन अटैच है, ये कि एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। आगे क्या बात समझ में, इसका मतलब इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच है। सो वी कैन से दीज कार्बन आर काइरल कार्बन्स। एनी वन प्रॉब्लम्स? अब अपने यहाँ डिफाइन करते हैं नेक्स्ट कार्बन्स को। नेक्स्ट कार्बन में देखो कौन से ग्रुप है, COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें तो सीधा स्ट्रक्चर फॉर्म में देखो, C डबल बॉन्ड O इधर की तरफ आता है OH। तो यहाँ पे तो चलो OH हो गया, इधर ये डबल बॉन्ड हो गया। मैंने बोला था कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब इसके बारे में अपने बात ही नहीं करेंगे। आगे क्या बात समझ में, यहाँ तक बोलो। तो यहाँ पे आपसे पूछ ले कितने काइरल कार्बन प्रेजेंट है, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे, कितने काइरल सेंटर प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है 2 काइरल सेंटर। आगे क्या बात समझ में, बोलो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अपने एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। नेक्स्ट देखो इधर की तरफ आ जाएगा सी, इधर की तरफ मैंने ले लिया VR, इधर की तरफ ले लिया मैंने OH। आगे बात समझ में, नेक्स्ट आ जाएगा सी, इधर की तरफ मैंने ले लिया BR, इधर की तरफ ले लिया OH। नेक्स्ट अपने क्या आ जाएगा, इधर की तरफ ले लिया COH और इधर की तरफ मैंने ले लिया CH3। अब मुझे बताओ इसमें कितने काइरल सेंटर प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जाते हैं इस कार्बन की तरफ, तो यहाँ पे ये तो कार्बन को स्ट्रक्चर्स फॉर्म में देखो, सी डबल बॉन्ड OH, ये तो कार्बन sp3 नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, इस ग्रुप को लेंगे अपने। सबसे पहले इस कार्बन को देखो, इसमें एक तो COH ग्रुप प्रेजेंट है डिफरेंट ग्रुप, एक में ब्रोमीन प्रेजेंट है डिफरेंट ग्रुप, एक तरफ OH ग्रुप है डिफरेंट ग्रुप, एक तरफ आ जाएगा एल्किल ग्रुप डिफरेंट ग्रुप। द कार्बन अटैच्ड विद द 4 डिफरेंट ग्रुप, सो वी कैन सी दीज आर काइरल कार्बन। तो एक तो अपनों ने आइडेंटिफाई कर लिया काइरल कार्बन को। नेक्स्ट काइरल कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है अटैच्ड विद द ब्रोमीन, इधर की तरफ आएंगे अटैच्ड विद द OH ग्रुप, इधर की तरफ आएंगे अटैच्ड विद द CH3 ग्रुप। तो ये बताओ कार्बन कितने से सराउंडेड है, 4 डिफरेंट ग्रुप से। एक तो वाला ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इसमें काइरल सेंटर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, क्या ये काइरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें कितने काइरल सेंटर प्रेजेंट है, 2। आगे बात समझ में, जैसे एक एग्जांपल और देखो, सिंपल सा लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं पूछ लूँ CHCl3, क्या ये काइरल सेंटर प्रेजेंट है इसमें, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं पूछा है, नीट 2015 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो आप आइडेंटिफाई क्या करोगे यहाँ पे काइरल कार्बन को। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, इधर की तरफ क्लोरीन, इधर की तरफ क्लोरीन, एक तरफ अटैच है यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को अपने आइडेंटिफाई करेंगे, कार्बन सराउंडेड बाई द हाबी, क्या आगे वाली लाइन बोल सकता हूँ मैं, कार्बन सराउंडेड द डिफरेंट ग्रुप, क्या डिफरेंट ग्रुप अटैच है, नहीं है भाई। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, सेम ग्रुप, इधर भी आ गया सेम ग्रुप, इधर की तरफ भी आ गया सेम ग्रुप। सो वी कैन सी द क्लोरोफॉर्म इज ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स? तो आज अपनों ने डिफाइन किया है काइरल मॉलिक्यूल। आगे क्या बात समझ में, काइरेलिटी। एनी वन प्रॉब्लम? ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।